हेलो स्टूडेंट, एनडीए ने 21 अप्रैल के लिए अब हमारे पास केवल 3 डेज लेफ्ट है, यानी 2 दिन बाद आपको, कल फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे को आपको टेस्ट देना है। लास्ट मिनट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, और जो जो आपने मुझे अभी अभी में डाउट भेजे हैं वो सब भी डिस्कस करूँगा। पर उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कल जो 2018 का पेपर मैंने डाला था वो लाइव होने में थोड़ा डिले हो गया, बिकॉज उसका रीज़न ये था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत लो थी, बहुत कोशिश की पर नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वो डिले हुआ, अदरवाइज वो नहीं होता। एनीवे, अब बात करते हैं कि लास्ट मिनट में क्या किया जाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं इम्पीटस गुरुकुल से, ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए, कई सारे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर भी आप जब मुझे ऐसा मैसेज भेजते हैं, सर आप आखिरी टाइम है, टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, अगर ये सब ख्याल आपके मन में आ रहे हैं तो मैं पहले कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा कि आपके थॉट प्रोसेस से आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अब क्या होगा, तो मैं हमेशा बोलूँगा यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है हमारी लाइफ का। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, सब कुछ अच्छा है, और मैंने आपके साथ क्विक रिविजन और ये जो पेपर लास्ट 3 सॉल्व किए उसका एक ही पर्पज था कि टफ से टफ पेपर में भी हम 60+ निकाल सकते हैं और इजी से इजी पेपर में भी हम 80+ कर सकते हैं। इनका एक ही पर्पस था, और ये पेपर पहले भी सॉल्व करे थे, पर दोबारा आपके साथ डिस्कस करने का पर्पस, एक कंसेप्ट बताने का पर्पस, किस ढंग से करना है, ये सब इसका एक ही रीजन था कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड और एनर्जी के साथ जाएं, क्योंकि एनर्जी लेवल जितना हाई होगा उतना अच्छा पेपर में आपका परफॉर्मेंस होगा। और उसी एनर्जी के साथ मैंने पेपर सॉल्व किया, और उसी एनर्जी के साथ मैं चाहूँगा आप भी करें। आप मैथ्स में पूरे 120 क्वेश्चन तक रीच कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जिसमें स्टेप ज़्यादा लग रही है उसको इमीडिएटली स्टॉप करके आप मूव करते चले, और अपने फेवरेट टॉपिक्स के क्वेश्चन पहले करें, फिर उसके बाद आपके ऑर्डर्स बहुत क्लियर होने चाहिए, यानी 5 मिनट में पहले पूरा एक बार पेपर चेक कर लें, उसके बाद ही सॉल्व करें, और जो जो टेक्निक, जो जो कंसेप्ट मैंने बताया उनको याद करें, और जैसे ही कोई क्वेश्चन आप सोचिए कि मैंने इसको कैसे सॉल्व करवाया, जैसे ही ये थॉट आपके दिमाग में आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी अभी जो बच्चे 1.5 महीने पहले जुड़े थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन लोगों की भी परफॉर्मेंस 50, 60, 70 तक पहुंच गई। सोचिए कि इतना अच्छा बना हुआ कोर्स है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक पॉजिटिव माइंड से अगर आप पेपर देने जाएंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, कभी भी किसी भी एग्जाम को जब देने जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको एक ही बात सोचना चाहिए कि आप अपना बेस्ट दे के आएंगे। देखिए, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ये बात हर जगह अप्लाई होती है, अगर आपको कोई, मान लो जंग लड़ने जाना है, फाइट करने जाना है, अगर आप पहले ही निराश होकर जाएंगे, निगेटिव होकर जाएंगे, तो उस फाइट में कैसे जीत पाएंगे। अगर आप अभी अभी एक फिल्म आई थी केसरी, आप में से कई लोगों ने देखी होगी, उन सभी 21 लोगों को पता था कि कोई नहीं बच पाएगा क्योंकि सामने 10,000 लोग हैं, पर उन्होंने जिस ढंग से मुकाबला किया उसको आज हिस्ट्री याद रखती है। यानी हमारे थॉट्स क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक बॉर्डर फिल्म देखी होगी कि इंडिया ने किस तरह से रात भर अपने आप को डिफेंस करके बचाया, और ना केवल जंग जीती बल्कि लोगों को भी बचाया। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज देती हैं। तो लास्ट टाइम में मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा, सबसे पहले निगेटिव थाट प्रोसेस बंद कर दीजिए, क्या होगा ये कई बार आपकी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस को भी डाउन कर देता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, जिनने नहीं किया, हो सकता वो भी कोई ऐसा ना सोचते हो, तो आप क्या होगा ये सोचना बंद कर दें। आप एक ही बात सोचिए कि आप अपना बेस्ट देके जाएंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट की परवाह करे बिना अगर पेपर दोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपने इतने सारे मॉक पेपर दिए, इतनी प्रैक्टिस करी है, सोचिए कि जब लास्ट टाइम 3 मंथ्स में इतना अच्छा रिजल्ट आया था, तो इस बार तो हमारे पास 6 मंथ है लगभग, तो उससे कई बेहतर रिजल्ट आएगा। तो जब मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपको हर चीज पढ़ाइए। ये लास्ट टाइम में जो आपके साथ क्विक रिवीजन पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स का पर्पज ही यही था। तो आप सबको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि मैथ्स में आप सबसे पहले 120 क्वेश्चन में ये देखिए कि 60 फेवरेबल क्वेश्चन कौन से हैं। टफ से टफ पेपर में भी 60 इजी मिलेंगे। और मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर इस बार हम जेई के पेपर भी देखें तो टफ नहीं थे, यानी एनडीए का पेपर टफ आने के चांसेस नहीं है, यानी 100 के आसपास इजी मिल सकते हैं। पर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं 60 की। जीएटी पेपर में ट्राई करिए कि 150 में से 90 क्वेश्चंस पे रीच करने की कोशिश करिए। और याद रखिए, आप हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि कट ऑफ, तो याद रखिए कट ऑफ मैथ्स का होता है और एक जीएटी पूरे पेपर का होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश का अलग से देख रहे हैं, फिजिक्स का अलग से देख रहे हैं, तो आप इसलिए घबराइए मत। आप दोनों पेपर्स में बहुत ही पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए, और बिल्कुल अभी से ये सोचना बंद कर दीजिए कि क्या होगा। दूसरी बात,
कल फ्राइडे है, कल आपका लास्ट डे होगा प्रिपरेशन का, जो भी करें वो भी नया कोई प्रिपरेशन नहीं करना, बल्कि हो सकता हो तो कल से ही आप एक काम करें, कल सुबह से रात तक केवल ब्लैंक पेज पे जो जो दिमाग में है, जो जो आता है वो लिखें और लिखते जाएं, और सैटरडे को बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें तो अच्छा रहेगा, घूमें फिरें, गेम खेलें, मस्ती करें, जिससे आपका माइंड एक रिलैक्स फॉर्म में आ जाए, क्योंकि जितना रिलैक्स माइंड होगा पेपर में परफॉर्मेंस उतना अच्छा आएगा। होता क्या है कि जब हम लास्ट टाइम कोई पढ़ाई कर लेते हैं, अक्सर ये होता है, तो हमें वो चीज तो आ जाती है जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा। फॉर एग्जांपल कि आपने लास्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कराया फिजिक्स का, आप पेपर देने जाओगे आप देखोगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जल्दी बनेगा, आपको बहुत खुशी होगी, अरे अच्छा रहा कल पढ़ लिया, पर बाकी टॉपिक को रिकॉल करने में टाइम लगेगा। इसलिए आप सैटरडे को कुछ ना पढ़ें, एक माइंड को फ्रेश करें, हो सके तो न्यूट्रल पोजिशन में लाने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, कुछ ना कुछ करें जिससे कि आपका माइंड एकदम न्यूट्रल हो जाए, और संडे को जब आप सुबह पेपर देने जाएं तो एक फ्रेश ब्रेन के साथ जाएं। अच्छा, दूसरा, बिल्कुल टाइम पे पेपर देने पहुंचें जिससे कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दें। अब मैथ्स के पेपर के बाद, मैथ्स में क्योंकि आपको बहुत ही एनर्जी के साथ पेपर करना है, मौसम में आप देख रहा कि टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो ऐसे में जब पेपर ख़त्म हो जाए, तो पेपर खत्म होने के बाद जो मैं बातें आपसे बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इसमें मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। पेपर जैसे ही ख़त्म हो आप बाहर आइए, किसी एक से भी, खुद से भी इंक्लूडिंग, आपको अपने आप से भी ये बात नहीं करनी कि पेपर कैसा हुआ है, कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और ये बात और ध्यान रखनी कि ना किसी और बच्चे से पूछना है कि कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। कोई पूछे पेपर कैसा हुआ, आप एक ही जवाब दें और वो भी बहुत ही खुशी के साथ, बहुत अच्छा पेपर हुआ, बस। बिकॉज आपको GAT का पेपर अगले 2 घंटे बाद देना है, अगर आप चाहते हैं कि उस पेपर में भी आपका अप टू द मार्क आए तो जरूरी है कि इस पेपर से बाहर निकल जाए, जो भी करके आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपके साथ मैंने पेपर डिस्कस किए, क्विक रिवीजन किया, उससे आप 60+ पे पहुंच जाएंगे, वशर्त है कि आपका माइंड पॉजिटिव रहे। एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपना अच्छा करने जाएंगे तो बिल्कुल होगा। तो फिर आपको जब GAT के पेपर में, आप दूसरी बात कि ये बीच के टाइम में क्या करना है, मैंने पहले भी बोला था, फिर बोलूंगा कि पेपर देके निकलें, कुछ हल्का फुल्का खाएं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, पेट भर के तो बिल्कुल नहीं खाना है, कुछ हल्का फुल्का खाएं और पानी वानी पिए, उसके बाद हो सकता हो तो जिस भी जगह पे आपका सेंटर है उस जगह पे कोई भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाए, 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करें, पेपर 1 के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ना पेपर 2 के बारे में, अपने आप को रिलैक्स माइंड रखें। 15-20 मिनट की आंखें बंद करने से आप एक रिलैक्स पोजिशन पर आ जाएंगे, एक आपका नया दिन शुरू हो जाएगा। आधे घंटे का एक अच्छा रेस्ट करके उठिए, आसपास जो भी चाय वाय वाला हो उसके पास जाके चाय या कॉफ़ी पीजिए, अगेन मुंह धोइए और उसके बाद फिर दूसरा पेपर देने जाइए, ये सोचे बिना कि पहले में क्या किया, अच्छा बुरा। देखिए, अगर पेपर कभी भी याद रखिए, टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर ईजी आएगा कट ऑफ ऊपर जाएगा। इसलिए इस बात पर परेशान मत होना कि 30 किए कि 40 किए कि 50 किए कि 60 किए। मैं आपको ये हमेशा इसलिए लिस्ट वाला फिगर भी बोलता हूं, हर वाला भी, आपने जितने किए छोड़ दें, अब इस पेपर में भी मुझे अच्छा करना है, क्योंकि इन दोनों पेपर के कट ऑफ से ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपने मैथ्स का बहुत अच्छा किया, पर आपने इसमें नेगेटिव थॉट लाया, ऐसा तो नहीं मैथ्स का मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, उससे होगा हो सकता है कि GAT के कट ऑफ में आप रुक जाओ। तो ऐसे कोई भी थॉट अपने ब्रेन में ना आने दें। ये जो बीच का 1.5 घंटा आपको मिलेगा, अगर आपने इसे बहुत प्रॉपर यूज कर लिया, आप GAT में वो परफॉर्मेंस देंगे जो आपने कभी नहीं सोची होगी, पेपर के पहले भी नहीं, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ, ये मेरा अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और जब GAT का पेपर देके आ जाएं, उसके बाद फिर दोनों पेपर को चेक कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैथ्स के पेपर के बाद मैंने यहाँ पे भी सबको मना किया है, सारे बच्चों को जो मुझे फोन कर रहे हैं उनको भी, कि पेपर तक नहीं खोलना, इवन अपने दोस्तों से भी बात नहीं करना, इवन खुद से भी बात नहीं करना कि कौन सा गलत है कौन सा सही। बिल्कुल पक्की बात है, आप 60-70 करेंगे, 2-4-5-10 गलत होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो 70 तक पहुंचा रहा हूं कि 70 में अगर 10 से 15 गलत होगा तो भी कट ऑफ से बहुत ऊपर हो। इसलिए मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि आपको ये सब चिंता नहीं करना, आप करोगे कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, मिस रीडिंग मिस्टेक हो जाती है, सब कॉमन, रियलिस्टिक होके चलोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जब रियलिस्टिक नहीं होते हम, जब हमारी प्रॉब्लम होती है, तो बी ऑनेस्ट, अपने आप से चीटिंग नहीं करना, अपने आप से ऑनेस्ट होना, जो आता है वो करके आएंगे, चाहे कम आता हो चाहे ज्यादा, जो आता है वो करके आएंगे। भाई आप डिफेंस में जा रहे हो, डिफेंस में जाने का रूल है कि हम अपनी पूरी दम के साथ जाएं, जो होगा देखा जाएगा, हो सकता है जीतो, हो सकता हार जाओ, पर अगर आप अपने विल के साथ जाएंगे तो जीतने की संभावनाएं ज्यादा होंगी।
ये दिमाग में ही थॉट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में रखो। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आप ये नहीं सोचते कि कहीं आज मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, यही बिलीव आपका एक्सीडेंट नहीं होने देती। वही बिलीव के साथ पेपर देने जाएं, एक बिलीव आपके रिजल्ट को बदल सकता है। मैं बिल्कुल श्योर हूं, आपने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ आता है, पर एक निगेटिव थॉट आपकी आई हुई चीज को भुला देता। आप जैसे ही अगर ये सोचते हो कि यार मैं कहीं भूल तो नहीं गया, आप सच में भूल जाते हो। जैसे ही आप ये सोचते हो नहीं मुझे आता है, तो आपको सब कुछ आता है। तो पेपर जब दे, मैंने आपके साथ पेपर इसलिए ही डिस्कस किए, तीन तीन पेपर डिस्कस किए इतने लंबे, उसका पर्पस था कि पहले वो देखिए जो आते हैं। जैसे जैसे आने वाले क्वेश्चन करते जाओगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उससे जो नहीं आने वाले टाइम कंज्यूमिंग है वो भी कम समय में होने लगेंगे, जो टेक्निक्स बताई वो भी याद आने लगेंगे। यानी ये सब कुछ पॉसिबल है, बस शर्त है कि थॉट्स क्या। एक भी गलत क्वेश्चन में उलझ गया अगले चार क्वेश्चन वो गलत हो जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ पेपर देना है, बिल्कुल वो करते चलो जो आते हैं। पेपर देख के ये मत सोचो कि 40 नहीं बनते 50 नहीं बनते, सोचो कि 50 बनते हैं। जो 50 बनते पहले वो तो देखो, 120 में बोल रहा 50 बनते हैं 50 नहीं बनते, 20 का पता नहीं, बन भी सकते नहीं भी, अरे पहले उन 50 को देखो। ये थॉट के साथ पेपर दो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जब आप दोनों पेपर दे के निकलोगे, मैं आपके साथ पेपर का सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने पिछले लास्ट 2-3 टाइम से डिस्कस कर रहा हूं, और आपने एक बात नोटिस की होगी, सबसे एक्यूरेट आंसर आपको दिए हूं। अभी भी कोशिश यही करूंगा कि आपको एक्यूरेट आंसर मिले, फिर आप अपना रिजल्ट निकालें, फिर 5 बजे के बाद जब जीएटी खत्म हो जाए फिर आप सारे पेपर्स को चेक करो और फिर अगले एक्शन की बात करेंगे। पर अभी आपके दिमाग में, अभी कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं सर अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, हम सोचे नवंबर के लिए फोकस करें। मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा जो कि 21 अप्रैल का पेपर दे रहे हैं और उनको लगता है अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई हम अब नवंबर का एग्जाम देंगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल देंगे, बट ये शॉर्ट आपको आज नहीं 21 के बाद सोचना है। आज तो आप अपना बेस्ट करके जाओ, देखना हो सकता है मेरी ये बात आपके काम आ जाए, और हो सकता है कि आप इसी सेशन में एक अच्छा रिजल्ट दे दें। तो ये सारी बातें छोड़ के एक पॉजिटिव माइंड से जाएं, अच्छा रिलैक्स करें, पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें, कल हो सके तो कुछ ना पढ़ें, जो आता है उसी को मेमोराइज करें, ब्लैंक पेज पे लिखते चलें। सैटरडे ये भी नहीं करना है, एक अच्छी नींद लेनी है, बहुत अच्छी नींद 8 से 10 घंटे की। दो पेपर में परफॉर्मेंस जब भी आएगी, जब आप एक अच्छी नींद लेंगे, अच्छे से बिल्कुल स्लीप लीजिए, अच्छे से खाइए, और पेपर के बीच में जो टाइम मिले उसमें रेस्ट जरूर करिए। बात मेरी ध्यान रखिए, किसी भी दोस्त से किसी भी तरह की कोई बात मत करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करो, बिल्कुल जितना अच्छा कर सकते हो वो करो, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं खोगे आप जो अच्छा करोगे उससे कुछ पाओगे। जब आपको पता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इसी भरोसे के साथ मैं आपको फिर से बोलूंगा ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।